नमस्कार दोस्तों। दूल्हा कर रहा था दुल्हन का इंतजार, लेकिन दुल्हन फरार तो छोटी बहन से हुई शादी, फिर भी दूल्हे के नसीब में रह गया अकेलापन। उड़ीसा की शादी के जबरदस्त चर्चे हैं। दरअसल एक घटनाक्रम के बाद बारात जब लड़की के घर पहुंची तो लड़की अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से सुलह समझौता और लड़की के परिवार वालों ने लड़की की छोटी बहन की शादी दूल्हे से करवाने के लिए हामी भर दी थी। ये शादी तो हो गई, दुल्हन विदा होकर ससुराल भी पहुंच गई, लेकिन तभी वहां पर पुलिस पहुंच आई और पुलिस लड़की को अपने साथ लेकर आई और लड़की को उसके मम्मी पापा के हवाले कर दिया। हालांकि इसके बाद भी किसी पक्ष की तरफ से कोई नाराजगी नहीं दिखाई गई, बल्कि दूल्हे ने कहा कि वो 3 साल अपनी दुल्हन का इंतजार करेंगे। ये पूरा मामला उड़ीसा के कालाहांडी का है। दरअसल दोस्तों लड़की अभी नाबालिग है। यहाँ एक बारात अपने तय निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर पहुंच गई, लेकिन जब तक सारे कार्यक्रम हो रहे थे तभी खबर आई कि दुल्हन घर से फरार हो गई है। आपको बता दें कि बाहर बारात खड़ी थी और दूल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी दुल्हन के फरार होने की बात सामने आने से सब लोग हैरान रह गए। ऐसे में पारिवारिक और सामाजिक बंधन दबाव के चलते दुल्हन के परिवार वालों ने दुल्हन की छोटी बहन से उसकी शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिससे दूल्हे के परिवार वालों ने मना कर दिया। आपको बता दें फिर कहा सुनी हुई और इसके बाद दूल्हे के परिवार वाले भी राजी हो गए। इसके बाद सभी की सभी औपचारिकताएं निभाई गई, दुल्हन ससुराल भी पहुंच गई, लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच गई और बताया गया कि ये बाल विवाह है, यानी कि लड़की की उम्र अभी 15 साल है, इसलिए जो कुछ भी हुआ वो कानूनी तौर पर अपराध है। इसके बाद दोनों परिवार को बुलाया गया, जहां पुलिस ने दुल्हन को उसके भाई के साथ घर भेज दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई भी मामला दर्ज नहीं किया है, क्योंकि दूल्हे और दुल्हन के परिजन इस बात के लिए मान गए थे कि लड़की के बालिग होने तक वो इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर शादी नहीं की जाती तो दोनों परिवारों की बदनामी होती। ऐसे में पुलिस ने भी सामाजिक दबाव को देखते हुए कोई केस दर्ज नहीं किया और दोनों परिवार को समझा बुझा कर शांत करा दिया। तो दोस्तों आप किस खबर के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें।